हाय, मैं सौम्यदीप मंडल, आपका नरेटर। आज नॉस्टैल्जिक स्टोरीज में आप सुनने वाले हो अविक सरकार से लिखा गया कहानी भोग पार्ट टू। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं सुने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों, शुरू हो रहा है भोग पार्ट। दो दिन बाद जब अतिन अपने घर से बाहर निकलकर आकर पुष्पा दी को ढूंढने की कोशिश किया, तब वो कहीं दिखाई ही नहीं दी। भावेश जी और सुरेश दोनों आकर ढूंढे लेकिन किसी को नहीं मिला। आखिर में उनको पुलिस स्टेशन में जाकर ये FIR दर्ज करना पड़ा। पुलिस आया, बहुत हंगामा हुआ, सारे गांव के लोग देखने आए कि पुष्पा दी कहां है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। जब वो सबसे बात कर रहे थे तब उन्होंने डमरी से भी बात किया, लेकिन डमरी क्लीन चीट निकली, उसका कोई दोष नहीं है। डमरी का हर एक बात सही तरीके से मिल गया। इसके बाद सुरेश जी और फिर भावेश जी दोनों से पूछताछ किया गया, फिर अतिन। लेकिन सबके आंखों में ये नजर आ रहा था कि आज तक के लिए पुष्पा दी जो उसकी माँ की तरह रही है, उसके काम के लिए अतिन का जैसे कोई भावनाएं ही नहीं है। ना वो रो रहा है, ना ही वो दुखी है। उसको जो काम किया जा रहा है वो सब कर रहा है। अखबार के कागज के ऑफिस तक गया, पुलिस स्टेशन तक जाकर आया, लेकिन कहीं भी नहीं। उसके अंदर जैसे एक भावनाएं भी नहीं बची। भावेश जी और सुरेश दोनों जब लौट गए तब वो थोड़ा सा परेशान हो गया। सिर्फ एक मिनट के लिए जैसे उसको ऐसा एहसास हुआ कि मैं कुछ गलत किया क्या, लेकिन फिर किसी को कुछ भी नहीं पता चला। इसके बाद एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते के अंदर चौंका देने वाले और भी बहुत सारे हादसे हुए। हादसा नहीं कह सकते, सबसे पहली बात यह हुआ कि पुष्पा दी के एक अंगूठी उसको घर के कोने में मिला। उसने जल्दी वो पुलिस स्टेशन देकर आया। और दूसरी बात तो ये थी कि उसके एक दिन बाद ही जब सुरेश नहा कर नीचे उतरा पूजा करने के लिए, तब वो आके देखता है कि मां के सामने दिया गया भोग का थाली में जो कुछ भी खाना था वो इधर उधर फेंका गया है, जैसे कोई उसे चबाकर खाया गया और आधा उधर ही रख गया। अतिन की खुशी जैसे आसमान छू रहे थे। वो जोर जोर से नाचने लगा और कहने लगा, खाई मां, मां मां खाई, मां भोग खाई, आ आ क्या संतुष्टि हो रहा है। लेकिन किसी को ये फनक तक नहीं लगी कि भोग आखिर में वो मूर्ति तक गया ही कैसे। इसके बाद कई दिन बीत गया, पुष्पा दी का और कोई खबर नहीं। पुलिस ऑफिसर ने भी केस क्लोज कर दिया। अतिन हर रोज अपने काम में वापस जाने लगा, लेकिन उसके कपड़े इतने ही गंदे होते थे कि एक दिन उसके पियोन ने ही उसको भगा दिया घर। उसके ऑफिस के बॉस ने भी उस दिन उसके ऊपर बहुत चिल्लाया था कि अगर आ रहे हो तो अपना कपड़े का ढंग भी तो सीधा रखो ना। लेकिन क्या करे, अतिन का दिमाग कहीं पे भी नहीं बसता था। जैसे वो किसी का सुन ही नहीं पा रहा है, जैसे वो एक जिंदा लाश हो चुका है। एक दिन अतिन को क्यों नहीं लगा कि चलो हम थोड़ा सा घूम कर आते हैं। अतिन उस दिन जब अपने गाड़ी को अंदर लेकर गया तब वो देखा कि शमशान घाट के उधर एक चाय पटरी में बहुत से लोग बैठे। उसको क्यों नहीं लगा कि मुझे भी वहां जाना चाहिए, मैं क्यों नहीं जाके वहीं पे बैठता हूं। और वो जाकर उसी शमशान घाट के बाजू वाले चाय टपरी में जाकर बैठ गया। अतिन अपने जिंदगी के बारे में सोचने लगा। जिंदा है, हर दिन अपने मां के बारे में सोचता है, पूजा करता है, उनको क्या खाना देगा ये सोचकर अपना दिन बिता देता है। माँ भोग खाई कि नहीं, माँ को आज साफ सुथरा रखा कि नहीं, माँ आज संतुष्ट हुई कि नहीं, यही सब सोचते हुए उसका दिन बीत जाता है। अचानक से जब वो बैठा था तब एक बूढ़ा सा आदमी उसके बाजू में आकर बैठा। बूढ़ा नहीं कह सकते थे, मतलब होगा कुछ 40 ऐसा उम्र। अतिन काफी देर तक बैठा रहा, तब उसको थोड़ा भूख लगा।
वो चाय की दुकान में जाकर दो रोटी और एक जलेबी लाया अपने लिए। जब अतिन बैठकर उसे खाने लगा तब बाजू वाला आदमी उससे पूछा, साहब जी, एक एक जलेबी दोगे? वरना थोड़ा रोटी दे दो ना, काफी दूर से आ रहा हूं, बहुत भूख लगी है। अतिन थोड़ा सा चौंक गया था, लेकिन वो दिल का बड़ा ही नेक था। उसने तुरंत अपना एक पूरा रोटी सामने वाले को दे दिया। वो हंसते हंसते उसे खाने लगा। धन्यवाद बाबू जी, आपका नाम क्या है? अतिन, आपका? वो मैं बाद में बताता हूँ जी। आप करते क्या है? कुछ नहीं, बस यही, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव कंपनी में मैनेजर हूं। अच्छा, बहुत अच्छा। बीवी बच्चे हैं? जी नहीं, आप यहां क्या करने आए थे? बेटा, मैं काफी दूर से आ रहा हूँ। मैं असल में किताब लिखता हूँ। यहाँ आया था एक पब्लिकेशन कंपनी को अपना किताब देने के लिए। तो हो गया आपका काम? हाँ, ये समझ लो, हो गया बेटा। आप तो बहुत नेक दिल लगते हो। जी, ऐसा क्यों? अरे देखे नहीं, आप अपना एक पूरा रोटी मुझको दे दिए, जो आपको पहचानता नहीं है और ना आप मुझको। फिर भी आज के जमाने में ऐसे लोग दिखने बहुत ही कम मिलते हैं बाबा। वो दरअसल क्या है ना, हम किताब लिखते हैं मंत्र के ऊपर, पूजा पाठ के ऊपर। अतिन 2 मिनट के लिए जैसे चुप बैठ गया। वो जैसे कुछ अंदर ही अंदर सोचने लगा। तब वो आदमी कहने लगा, यही, मैं बहुत दुनिया घूमा हूं, बहुत सारे पूजा पाठ के बारे में मैं इस किताब में लिखता हूँ। आपको अच्छा लगा तो पब्लिकेशन से खरीद लेना। हाँ, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। यही पिछले साल गया था ना काठमांडू में, तिब्बत के सारे मंत्र के बारे में लिख कर लाया हूँ। और उसके बाद तो आपको मालूम ही है, ये प्रोडक्शन कंपनी ज्यादा लेना नहीं चाहते, लेकिन मैंने फिर भी देख कर आया हूँ। लेकिन एक के साथ बात किया था। ये सब कहते कहते अतिन को थोड़ा सा अजीब ही लग रहा था, जैसे उसको मजबूरी में सुनना पड़ रहा है। फिर उस आदमी ने कहा, बाबू, आपका कोई तफलीक हो रहा है क्या? फिर मैं इधर से चले जाता हूं। नहीं, आप मत जाइए, आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। फिर वो आदमी हंसकर कहा, अच्छे इंसान आप जैसे अब दिखते ही कहाँ है बुताओ। आपको ना मेरे तरफ से एक तोहफा देना चाहता हूँ, ये लीजिए, ये। अचानक से वो आदमी अपने जेब से एक छोटा सा माला लेकर अतिन के गले में पहनाने लगा। अतिन कहने लगा, अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे, छोड़िए, अरे। और वो कहा, आपको कोई भी तफलीक हो ये दूर कर देगा। मैं बोलता हूं ना, अब देखिए, ये हो गया। अतिन अपने आप को कैसे भी शांत रखकर कहा, ठीक है, लेकिन इसका क्या जरूरत था? देखिए बाबू, मैं काफी लोगों को देखा हूं, और ये मैं तजुर्बे से कहता हूं कि आपको भविष्य में और तकलीफ नहीं होगी। बस याद रखना, कुछ भी हो जाए, इस माले को अपने गले से मत निकालना, अतिन नीचे मेरे लिए। अपने माला को देख रहा था। वो यही पूछने ऊपर देखा तो इसका, तब तक वो आदमी जैसे कहीं चला गया है। अतिन ने उसका नाम तक नहीं पूछा। अरे, बड़ी गलती कर दी। अतिन वहां से उठकर अपने कार को लेके अपने घर वापस चले गया। एक चीज उसने अच्छे से देखा कि जब वो अपने कार को लेके अपने घर जा रहा था, तब जैसे उसका दिमाग काफी हल्का हो चुका था, उसको काफी आराम आ रहा था, बहुत थकान सा लग रहा था उसे। घर पहुंचकर ही अतिन ने जब अपने आप को देखा तब चौंक गया। ये मैं हूं? ये कपड़ा? अतिन को उल्टी आने वाला था, क्योंकि उसके लगभग 1 महीने तक कपड़े धोए हुए नहीं थे।
वो जोर से चिल्लाया, डमरी डमरी, मेरा कपड़ा क्यों नहीं धोया अब तक? इसे धो दो जल्दी, आज काफी थक चुका, आज मैं नहीं खा पाऊंगा, मुझे काम है। अतिन अपने बैग को अपने बाजू में रखकर ऊपर चले गया अपने रूम में। नहा कर जब वो रात को आराम कर रहा था, तब जैसे ही लग रहा था कि उसके माले में बंधे हुए ताबीज में से एक नीला सा चमक पूरे घर में भर चुका है और उसके सर के आजू बाजू में घूम रही थी एक तड़पती हुई आत्मा। अगले दिन ही जब भावेश जी सुरेश को लेकर वहीं गांव गए जहां से वो मूर्ति लाया गया, तब उनको काफी देर तक रुकना पड़ा क्योंकि पुरोहित जी अंदर तभी पूजा कर रहे थे। लगभग 15 मिनट तक रुकने के बाद उनकी दासी ने आकर कहा कुछ लोग उनसे मिलना चाहते हैं। पुरोहित जी ने कहा भेज दीजिए। जब भावेश जी और सुरेश अंदर गए तब पुरोहित जी बोल उठे, जय महाकाल। बोलो पुत्र, तुम्हारी क्या समस्या है? प्रणाम पुरोहित जी, मैं भावेश, मैं अतिन के पिता का पुराना दोस्त हूँ और ये है वो सुरेश, आप जानते होंगे इसको। इसने आपसे एक महीने पहले एक मूर्ति खरीदा था, वो मूर्ति किसका है हमें आज तक नहीं मालूम चला, लेकिन पुरोहित जी आपके पैर गिरता हूँ, ये बहुत खतरनाक हो जा रहा है। वो लड़का उस मूर्ति को लेकर बचपना कर रहा है, उसे मालूम नहीं वो क्या कर रहा है, हर बार पूजा करते रहता है, भगवान को नाम ना जाने भोग खिलाता रहता है, पता नहीं किस चीज का वो प्रार्थना करता है उससे। वो कहता रहता है कि माँ उसे बुला रही है। पुरोहित जी, मैं आपके पैर गिरता हूँ, आप बताइए ये हुआ कैसे, वो मूर्ति के पीछे क्या रहस्य है, उसका इतिहास क्या है? ये जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ ये सदियों पुरानी है, ये कहानी आज तक किसी ने भी नहीं लिखा है। हमारे पूर्वज मुंडा सरदार का काली मूर्ति लेके यहाँ भाग आए थे और यहाँ पर ही जमींदार बन के बस गए। उनका एक भाई भी था ब्राह्मण थे, पर बहुत सारे जहते ज्ञान उन्हें प्राप्त था। जब अपने जवानी में उतरे थे उनके भैया ने उन्हें शादी करने के लिए पूछा, पर उनका मन नहीं था इसलिए वो वहां से भाग गए और अगले 20 साल तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। लेकिन वो चले गए थे तिब्बत में, वहां जाकर उन्होंने कैसे तांत्रिक पूजा सीखा और किसी को नहीं मालूम। जब वो तांत्रिक बन चुके थे तब तिब्बत के एक राजा ने उन्हें अपना बना लिया। शर्त यह था कि उन्हें एक पूजा करनी पड़ी जिससे उनका साम्राज्य हमेशा से बना रहेगा। उन्होंने अमावस्या के रात वो पूजा किया और आखिर में एक मूर्ति में एक भयानक देवी का प्रतिष्ठान हुआ। लेकिन वो उस मूर्ति को लेकर यहाँ बंगाल में आ गए और अपने भैया को ये बताया, अगर इनका वोट सही तरीके से नहीं दिए गए तो सबकी मौत पटरा है। इतने सालों तक उसका पूजा होते आ रहा है लेकिन आज तक जमाना इसे भी त्याग दिया, इसलिए मैं तुम्हें ये मूर्ति दे दिया था। जो इसका पूजा सही तरीके से नहीं करेगा देवी क्रोधित हो जाएगी और अमावस्या की रात में एक प्रेत को उसके पीछे भेजेगी। तुम उसे डायन भी कह सकते हो। एक महीना, सिर्फ एक महीना, और अंत में उसकी बहुत बुरी तरीके से हत्या किया जाएगा। पुरोहित जी के आंखों से आंसू गिरने लगे। उनको भी ये समझ में आ गया था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने एक निर्दोष के हाथ में अपने पूर्वजों का पाप का घड़ा भर चुके हैं। अब उसे बचाने का कोई तरीका है या नहीं? पुरोहित जी, मैं आपके पैर गिरता हूँ, ये देवी बहुत खतरनाक है, ये हमें मालूम चल चुका है। अब हमारे पास ज्यादा दिन नहीं है, हम
भगवान, आज ही वो दिन है, आज ही। सुरेश, हमें आज ही निकलना पड़ेगा। डमरी, डमरी ही सारे सर्वनाश का घड़ी है। रोहित जी, मैं अतिन को कैसे बताऊं? कैसे बचाऊं उसको मैं उस डायन से? कुछ बताइए पुरोहित जी। बेटा, ये सवाल मुझसे मत पूछो। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसे रोक सके। कोई भी नहीं। बस कीजिए पुरोहित जी, बहुत हो गया। एक बच्चे के हाथ में जब आप इस खतरनाक देवी को सौंप रहे थे, तब तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम क्या पाप कर रहे हो। सुरेश, हमको अभी निकलना पड़ेगा। आज रात तक मुझे पहुंचना ही पड़ेगा। सुरेश, अभी निकलना होगा, अभी। अति मुसीबत में है। अगर उसका अंत आज है तो मुझे भी उसका साथ रहना होगा। अभी निकलना पड़ेगा सुरेश, अभी, चलो। सुरेश और भावेश जी तब भी निकल गए जिससे जल्द ही जल्द वो अतिन के पास पहुंच सके। इधर सुबह जब अतिन उठकर नीचे गया, तब डमरी कहीं नहीं मिल रही। वो बहुत गुस्सा हो गया था। नहाते वक्त उसने अपने माले को निकालने का कोशिश तो किया, लेकिन निकाल नहीं पाया। जब अतिन छत पर गया डमरी को ढूंढने, जहां उसे रहना चाहिए, तब वो छत पे जाकर बहुत चौंक गया। उसे ये समझ में आ गया था कि उसने गलती से बड़ा मुसीबत अपने सर पे ले लिया है। वो देख पा रहा था कि छत के एक कोने में किसी ने दीवार में खून से कुछ लिखा है। पूरे छत में पंछियों मड़े पड़े हुए हैं। अतिन के दिल से ये आवाज आया कि उसको यहां रहना ठीक नहीं होगा। यहां पे और मुसीबत बढ़ सकती है। ये जगह शुभ नहीं है। वो दौड़कर नीचे आ गया अपने हॉल रूम में और देखा उधर डमरी बैठी हुई है। डमरी ने उनसे पूछा, अतिन बाबू, आप छत में गए थे? अतिन हाँ बोलने के पहले ही उसके दिल में जैसे एक बहुत जोर का धक्का लगा। उसको ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की सारी जमीन हिल चुकी है। अचानक से जैसे डमरी इंसान से एक हैवान का रूप ली। उसके पूरे बदन का रंग था काला, आंखों में से जैसे अंगारे निकल रहे थे। वो अतिन से पूछी, आप ऊपर गए थे? लेकिन ये पूरा नाटक सिर्फ एक सेकंड के लिए ही था। अतिन कुछ बोलने के पहले ही सब जैसे नॉर्मल हो गया। डमरी ने पूछा, अतिन बाबू, आपके लिए चाय बनाऊं? अतिन ने कहा, नहीं, मुझे अभी ऑफिस जाना पड़ेगा, मुझे अभी निकलना है। डमरी ये पूछने जा रही थी कि माँ का भोग आज देंगे कि नहीं, कि उसके पहले ही अतिन अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस के जाने से पहले उसने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से सुधारा था। अपने अच्छे नए कपड़े पहने, सेंट लगाया, ऊपर से अपना दाढ़ी भी शेव कर लिया। जब वो ऑफिस तक पहुंचा था, सब जैसे खुश हो गए थे, क्योंकि अतिन काफी महीनों बाद आज वापस अपने पुराने तरीकों में दिख रहा था। अतिन पूरे दिन जैसे जोश में था, जैसे उसके अंदर की खुशी कम ही नहीं हो रही थी। इतने दिन जैसे वो किस सड़े हुए जिंदगी को जी रहा था, उसे भी नहीं मालूम। अतिन उस दिन बहुत मौज किया अपने कलीग्स के साथ। उसके बॉस ने उसको अलग से बुलाकर थोड़ा सा डांटा, लेकिन अतिन ने मुस्कुराकर ही जवाब दिया। इससे उसके बॉस भी बहुत खुश हो चुके थे। जब अतिन अपने कार को लेकर घर लौट रहा था, तब वो दिन था अमावस्या, जिस दिन डमरी को पहली बार उसने देखा। जब अपने कार में था, अतिन रो पड़ा। उसको अपने माँ की याद आ रही थी, उसको अपने पुष्पा दी का याद आ रहा था। उसके माँ जब अपने आखिरी दम पर थी, तब अपने अंगूठी को निकालकर पुष्पा दी के हाथ में रख दिया था, और ये कहकर गए थे कि अगर हम ना रहे तो वो अतिन का ध्यान रखे। लेकिन पुष्पा दी के गायब हो जाना उसके लिए एक बहुत धक्का सा लगा।
अतिन पूरे दिन ऑफिस में शांत था, लेकिन जब वो घर लौट रहा था तभी उसे ये ख्याल अपने दिमाग में आया। जब वो अपने घर पहुंचा तब उसने देखा कि पड़ोसी पहले ही सो चुके थे, कोई भी जागा नहीं है। थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन उसको मालूम है आजकल इस जगह में बहुत लोड शेडिंग का गोलमाल चालू है, उसे लिए हर जगह लाइट भी चली जा चुकी थी। जब अतिन अपने घर के दरवाजे खोलकर अंदर गया तब अचानक जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। अतिन डरकर पीछे देखा तो देखा भावेश जी रुके हैं, आंखों में आंसू थे। भावेश जी ने कहा, अतिन तुम आ गए। अतिन ने कहा, हाँ। अरे भावेश जी, आप क्या कर रहे हो यहाँ? अभी आप जाइए, आपकी बीवी घर पे इंतजार कर रही होगी ना? नहीं अतिन, आज मैं इधर आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी वो तुम्हें भी नहीं मालूम बेटे। तुमको एक बात बताता हूँ, सुनो। और ये कहकर भावेश जी ने अतिन को सब बता दिया, कैसे वो मूर्ति बना था, मूर्ति के अंदर कौन सी देवी थी, वो मूर्ति कहां से लाया गया है और इसके पीछे का रहस्य क्या है, और डमरी का असली सच तो ये था कि अतिन को मारने के लिए वो ही डायन थी। अब मालूम नहीं घर के अंदर कौन रहेगा। अतिन ने डर कर ही पूछा, भावेश जी, अगर अगर घर के अंदर वो पिशाच मेरे लिए इंतजार कर रही है तो मुझे तो आज जाना ही पड़ेगा। भावेश जी ने उसके बदौलत कहा, हाँ बेटा, आज का दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मुझे मालूम नहीं इस पूरे जगत में उस पिशाच को रोकने के लिए कौन है। उन्होंने पुरोहित जी ने ये बताकर भेजा कि एक बार उसने अगर अपने घर के अंदर कदम रख दिया तो उससे जिंदा वापस कभी नहीं निकलेगा। और मुझे और कुछ नहीं मालूम बेटा, लेकिन कहता हूं कसम से, आज आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज मैं तुम्हारे साथ ही दफन हो चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अतिन का हाथ कांप रहा था। भावेश जी ने उसके तरफ घूमकर इशारा किया, हाँ। अतिन ने अपने घर का लॉक खोल दिया। जैसे ही वो लोग अंदर घुसे, अंदर जैसे उनको उल्टी से आ चुकी थी। अंदर बहुत ही गंदा, एक बदबू जैसे हर जगह छाया हुआ है। किसी को नहीं पता चल रहा है कि वो बदबू किस चीज का है, लेकिन इतना ही घिन आ रही है सबको कि शायद से ही उल्टी हो जाए। भावेश जी और अतिन दोनों अंदर गए। वो लोग धीरे धीरे एक कदम से आगे बढ़ रहे थे। बढ़ते हुए उन्होंने जब किचन के अंदर गए तब देखा, क्या यहां पे तो कोई भी चीज नहीं है? डाइनिंग टेबल था किधर? क्या ये स्टोव गैस किधर है? सब ढूंढने लगे, लेकिन किचन में एक सामान भी नहीं है। जब अतिन यहां वहां देखने में व्यस्त था तब भावेश जी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। एक तो लोड शेडिंग है, ऊपर से अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अंधेरे में उनको ये आवाज आ रही थी जैसे कहीं पे कुछ टपक रहा है, पानी हो सकता है, लेकिन ये आ कहां से रहा है? जब भावेश जी ने अतिन के कंधे पे हाथ रखा और दोनों जब ऊपर देखे तब सबका खून ठंडा हो चुका था। सबके दिल शांत थे क्योंकि किचन का सारा सामान जमीन में नहीं बल्कि ऊपर सीलिंग में लटक रहा है, और डाइनिंग टेबल के ही एक साइड से कुछ टपक रहा है, पानी। लेकिन उनको दिखाई दे रहा था स्टडी रूम के अंदर से एक लाल चमक यहां से वहां जा रहा था। दोनों ने धीर पैरों से ही आगे बढ़ रहे थे। बढ़ते बढ़ते जब वो दरवाजे के एक छोटे खुले हिस्से में
झांक कर देखा तो कुछ ऐसा दिखाई दिया कि अतिन अपनी जिंदगी में और कभी नहीं भूल पाएगा। वो दृश्य देखकर भावेश जी वहीं पे बेहोश गिर गए। उनको दिल का दौरा आया रहेगा, क्योंकि अंदर का घिनौना दृश्य देखने के बाद अतिन भी स्थिर खड़े नहीं रह पा रहा था। देखा जा रहा था कि अंदर एक इंसान ना, उस चीज को कोई भी गलती से भी इंसान नहीं कह सकता। कोई ऐसा चीज जो इस दुनिया में कभी किसी से ना देखा गया हो, कोई ऐसा दृश्य जिसे सब देखकर ये सोचे कि ये उनका कोई बुरा सपना रहा होगा या तो फिर उनके मन का भ्रम। एक इंसान जैसे दिखने वाले शरीर में अगर किसी बकरी का सिर रख दिया जाए तब भी उसके आजू बाजू तक शायद से आ सकता है। जोर जोर से चिल्ला रहे थे वो, और वो क्या है, वो पहचाना सा लग रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखा जा रहा था कि एक कढ़ाई में जैसे बहुत धुआं धुआं हो रहा है, जैसे खाना जल चुका है, और उसके बाजू में एक डरावना सा जीव एक इंसान को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग कर दिया था, और उसी टुकड़ों को जैसे वो उन कढ़ाइयों में जला रहा है, और अपने पैर के ऊपर जैसे उसके पूरे बदन में आग सी लगी है, जोर जोर से सिर्फ अपने हाथ को अंदर लेके जा रहा है और कुछ पकाकर बाहर लेकर आ रहा है, और बाकी हिस्सों को वापस लेके जा रहा है। अतिन को इसमें से एक चीज नजर में आई थी, जिसके वजह से उसके अंदर दो चीज, दो भावनाएं पैदा हो गए थे। सबसे पहले उसने देखा एक हाथ जिसमें एक अंगूठी है, वही अंगूठी जो अतिन को अपने घर पे मिला था। अतिन ने जल्दी से अपने पॉकेट देखा, लेकिन नहीं, वहां तो वो अंगूठी है ही नहीं, तो फिर ये क्या था। जब वो आगे देखा कि वो अंगूठी किस चीज का है, किसके हाथ में है, तब उसका पूरा बदन जल गया। उसके अंदर बहुत घिन पैदा हो गया। वो जैसे एक जिंदा इंसान नहीं, हैवान में बदल चुका था। कोई दूसरा रहता तो शायद से गुस्से में इतना उतावला हो जाता कि वो अपना होश को बैठे। अतिन चिल्लाते हुए दरवाजे को खोलकर अंदर गया। तुझको मैं छोड़ूंगा नहीं, तू इधर आ। अतिन और भी कुछ कहता, लेकिन उसको महसूस होने लग गया था कि वो और चल नहीं पा रहा है। उसके हाथ पैर सब जैसे किसी ने लॉक कर चुके हैं। वो खड़ा था कोई मैदान में, कोई रेगिस्तान में, जहां पे उसको घेर कर खड़े थे बहुत सारे कंकाल और बहुत ही अजीबोगरीब दिखने वाले शैतान, और उसी के सामने खड़ा था एक पिशाच। अतिन कुछ कह नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसका आवाज छीन लिया हो। और सामने से जब आवाज आया, तब थोड़े वक्त के लिए ही अतिन डर गया था। एक इंसानी आवाज आ रहा था, लेकिन आधा इंसान तो आधा शैतान। आप मुझको पहचान लिया जिन बाबू? कमरे
अतिन को वो सुबह याद आ गया। अतिन डर चुका था, लेकिन तब भी उसके अंदर जिद थी, गुस्सा था। वो देख पा रहा था कि डमरी धीरे धीरे उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ तो कह रही थी वो। हाँ क्या? आप सोचते हो कि आपने माँ को भोग दिया, लेकिन असल में पाप कर रहे थे तुम। माँ ने मुझको भेजा है तुम्हारे सारे बचपन को एक साथ दफना देने के लिए। वो औरत कौन थी? पुष्पा, खुश हो जाओ तुम दिन, खुश हो, वो मर चुकी तुम्हें क्या अब तक, तुम्हें अब तक मौज मनाना चाहिए? पुष्पा देखो मैंने कैसे मारा था, जानोगे? पहले गले से चालू किया, छोटा 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 टुकड़ा करके अलग कर दिया था। आज उसी तरह तुम्हें भी मैं भोग दूंगी। ऐसे कहकर ही जैसे ही वो अतिन के नजदीक आई, अतिन के गले का माला जैसे गर्म हो चुका था। अचानक से उससे बहुत सारे नीले रंग के रेखाएं निकली और एक सेकंड के लिए जैसे सबको अंधा कर दिया था। अतिन ने जब अपना आंख खोला तब वो घर पूरा खाली गिरा था। एक जोर का झटका जैसे एक सेकंड के अंदर सब साफ कर दिया, लेकिन घर की बदबू अभी तक नहीं गई थी, क्योंकि अतिन के सामने में जो कढ़ाई थी उसमें अभी भी कुछ हिस्से हैं। अतिन ने ये सोचा कि एक सेकंड के अंदर हुआ क्या था कि ये डमरी भी गायब और मूर्ति का एक छोटा सा हिस्सा टूट भी गया। तब उसको एक चीज पता चला था जो हाँ हम कहने भूल गए थे। वो बूढ़ा आदमी ये कहकर गया था अतिन को, वैसे आपको एक बात बता देता हूँ अतिन बाबू, इस दुनिया में मैं इतने मंत्र लिखा हूँ कि किसी के और के पास इसे पढ़ने के लिए पूरा जिंदगी निकल जाए, लेकिन इन सब में से एक ही चीज मैं जानता हूँ, एक ही चीज है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सबसे महान, वो है प्यार। आपके नजदीकों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, जिससे आप आपका लगाव है, ये सब आपसे प्यार करते हैं, और इस पूरे ब्रह्मांड में प्यार के अलावा और कुछ नहीं होता। प्यार के अलावा इस दुनिया में कोई और तांत्रिक मंत्र इतना शक्तिशाली था ही नहीं। प्यार के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई शक्ति नहीं है। उस रात जब अतिन जिंदा रहा तब भावेश बाबू को वो दौड़कर हॉस्पिटल लेकर गया। उधर उनका चेकअप हुआ, फिर उनको आईसीयू में एडमिट करने के बाद 2-3 दिन के अंदर ही वो ठीक हो चुके थे। अतिन के दिल में तब भी वो एक गहरा सा दाग रह चुका था। अतिन ने ये कसम तो जरूर खा लिया था कि अगले बार से सुरेश के दुकान से एक भी ऐसे अजीबोगरीब मूर्ति लूंगा ही नहीं, और अगर वो फ्री में रहे तो बिल्कुल नहीं। उसी रात जब ये सब
हो गया था। अतिन ने सुरेश को लेकर हावड़ा ब्रिज के ऊपर से उस मूर्ति को पानी में फेंक दिया, जिससे और किसी के पास भी वो मूर्ति ना जाए। बहुत सारे अखबारों में ये निकला था कि हावड़ा ब्रिज के नीचे के हिस्सों में एक लाल रंग का रेखाएं दिखाई देते हैं। कोई भी माझी या कोई भी नाविक अगर उसके बाजू से जाए तो उसको आवाजें आती है और कह जाती है, नाविक मुझको इधर से निकालो, मुझको ढूंढो, मुझे भूख लगी है, मुझे भोग दो। मुझे भोग दो। अब तक आप सुन रहे थे भोग पार्ट 2। आपको कैसा लगा ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सब सब्सक्राइबर्स के लिए एक नोटिस आज हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। अभी हर हफ्ते संडे हमारा नया स्ट्रीम, हमारा नया ऑडियो स्टोरी रिलीज होने वाला है। पिछली बार का शेड्यूल था ट्यूसडे, अब वो शिफ्ट हो रहा है संडे। तो दोस्तों, तब तक आराम कीजिए और वेट कीजिए अगले कहानी के लिए। अगले हफ्ते हम आपके लिए एक और रोमांच भरी कहानी लेकर आने वाले हैं। और हमको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।